इश्क मुर्शिद की आखिरी किस्त पर सिनेमाओं में हुजूम। एक फैन ने दुर्रफ़ा सलीम को किस कर दिया। नाज़िश जहांगीर ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है अपनी और बाबर आजम की कंट्रोवर्सी पर और दे दी है अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट। अच्छा चलो आज हम ये बात करते थे, मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रही थी क्योंकि बहुत बहुत ही अजीब सी बात थी। आपने दो रिलेवेंट लोगों को एक दूसरे की ज़िंदगी में इतने बुरे तरीके से घुसा दिया। बाबर आजम ने डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली बाबर आजम से नहीं पूछा, लेकिन फॉर नो गुड रीज़न। आई गेस वी हैव अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स टू डिस्कस। फलस्तीन हमारे पास सबसे बड़ा है। इसी आर्मी ने अगर फलस्तीन के बारे में इतना बोल दिया तो आई गेस हम कहीं कुछ तो उनकी मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो ऑन, दिस इज़ नथिंग। वो दो अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं, मैं अलग हूँ, आपकी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड अलग है। मत जोड़ें बुरे तरीके से एक दूसरे को एक साथ। That's it. पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक्ट्रेस दुर्रफ़ा सलीम को तकरीब के दौरान खातून मद्दा ने किस कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 3 मई को लाहौर में सुपरहिट ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आखिरी किस्त का प्रीमियर रखा गया था, जिसमें दुर्रफ़ा सलीम और बिलाल अब्बास समेत ड्रामे के दीगर कास्ट ने भी शिरकत की थी। प्रीमियर के दौरान ड्रामे की लास्ट एपिसोड सिनेमा पर दिखाई गई थी, जिसे देखने के लिए मद्दाओं की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फैंस न सिर्फ इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड देखने के लिए प्रीमियर पर पहुंचे थे, बल्कि वो ड्रामे के मरकजी किरदार दुर्रफ़ा सलीम और बिलाल अब्बास से भी मिलना चाहते थे। इस मौके पर बिलाल अब्बास और दुर्रफ़ा सलीम ने अपने फैंस के साथ सेल्फियां लीं और वीडियोस भी बनाई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्हीं वायरल वीडियोस में से एक वीडियो सार्फिन के तवज्जो का मरकज बनी, क्योंकि उस वीडियो में एक खातून फैन ने दुर्रफ़ा सलीम के साथ सेल्फी लेते हुए अदाकारा के गाल पर किस कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून मद्दा पहले दुर्रफ़ा सलीम के पास आकर उनके साथ सेल्फी लेती हैं और फिर फौरन अदाकारा के गाल पर किस दे देती हैं। उस हरकत पर दुर्रफ़ा सलीम चौंकते हुए खातून मद्दा को खुद से दूर करती हैं और उन्हें इशारे से दोबारा ऐसा करने से रोकती हैं। फिर अदाकारा तेजी से वहां से चली जाती हैं। इस वीडियो पर तबसरे करते हुए सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि मद्दाहों को फनकारों से मिलते हुए अपनी हद में रहना चाहिए। हम टीवी के मशहूर मारूफ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसे ना सिर्फ मकामी बल्कि सरहद पार शायकीन की पसंदीदगी की सनद हासिल है, की आखिरी किस्त गुज़िश्ता रोज मुल्क के तमाम सिनेमा में बेक वक्त नुमाइश के लिए पेश की गई। लाहौर के यूनिवर्सल सिनेमा में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें ड्रामे के मरकजी अदाकारों, शोबिज के जाने माने चेहरों, ब्लॉगर्स और मद्दाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सजाया गया रेड कारपेट सितारों की कहकशां का मंजर कर रहा था, जहां मेज़बान हमजा मजीद मेहमानों से उनके ख्यालात जानने की कोशिश में मशगूल थे, जबकि ड्रामे के मरकजी सितारे बिलाल अब्बास खान और दुर्रफ़ा सलीम हजारों कैमरों की जद में थे। सफ़ेद लिबास में मलबूस मद्दाओं में घिरी इस जोड़ी ने इस मौके पर सहाफ़ियों और ब्लॉगर्स के सवालों के जवाब दिए। तकरीब में ड्रामे के नुमाया तरीन किरदार अली गुल मल्लाह अलमारूफ भले भी निगाहों का मरकज रहे, जबकि फरहान सलीम, शुजा नियाजी, मोमिन साकिब, मूमल प्रोडक्शन की रूह रवान मूमल शनीद, मूमल प्रोडक्शन की टीम और हम नेटवर्क के CEO दुरैद कुरैशी ने खसूसी शिरकत की। रेड कारपेट के बाद सिनेमा में स्क्रीनिंग की गई, जहां बड़े पर्दे पर रोमांस, जज्बात और दिल को छू लेने वाले अंदाज हाजरीन की आंखों में आंसू, होठों पर हंसी और तालियों का सबब बनते रहे। एपिसोड के इख्तिताम पर हाजरीन की ज़बरदस्त तालियां इस ड्रामे की कामयाबी का सबूत थीं। फैंस ने हम टीवी की जानब से एक बेहतरीन शो पेश करने पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मदाओं ने बिलाल अब्बास खान और दुर्रफ़ा सलीम को मरकजी किरदारों, जबकि अली गुल मल्लाह को एक्टर के तौर पर बेहद पसंद किया। याद रहे कि इश्क मुर्शिद हम टीवी से पेश किया जाने वाला चौथा ड्रामा है, जिसकी बैन-उल-अक़वामी शोहरत के सबब उसकी आखिरी किस्त को सिनेमा की जीनत बनाया गया है। इससे पहले जिंदगी गुलजार है, हम सफर और परिजाद की आखिरी एक साथ को भी बड़ी स्क्रीन पर पेश किया जा चुका है। मुर्शिद की आखिरी किस्त की स्क्रीनिंग को भी मुल्क भर के सिनेमाघरों में अवाम की बड़ी तादाद ने देखा और सराहा। इश्क मुर्शिद की आखिरी किस्त टीवी पर 5 मई को पेश की जाएगी।